हेलो दोस्तों, आइए हम हिंदी के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न को सॉल्व करते हैं जो हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। सारे प्रश्न एग्ज़ाम में आए हुए हैं, तो हम आज हिंदी के 30 प्रश्नों की बात करेंगे। और जो प्रीवियस ईयर का ये पेपर है उसमें 91 से आपका प्रश्न शुरू हुआ है, तो उसको हम सॉल्व कराएंगे। पूरे 30 क्वेश्चन सभी इम्पॉर्टेंट हैं, आपको ध्यानपूर्वक सॉल्व करना है। दोस्तों एक ज़रूरी बात बता दें, अगर आपको वीडियो में कोई दिक्कत या परेशानी आ रही है समझने में, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं कि क्या दिक्कत आ रही है। क्योंकि मुझे आज बहुत अच्छा लगा कि मेरे खास मित्र ने मुझे ये बात बताई कि हमें वीडियो में और क्या काम करना चाहिए। उन्होंने बताया कि जैसे हम यहाँ पे अभी हम बता दें कि उपसर्ग हम जा रहे हैं प्रश्न सॉल्व करवाने, तो जैसे हम बता देंगे भैया उपसर्ग को बताना है इस ऑप्शन में, मतलब इस प्रश्न में उपसर्ग कौन सा है, तो उन्होंने कहा कि आधे लोगों को अगर किसी को नहीं पता है कि उपसर्ग क्या होता है, तो इसके बारे में पहले बता दीजिए थोड़ा सा कि उपसर्ग होता क्या है, उसके बाद आप सॉल्व कराएंगे तो ज़्यादा अच्छे तरीके से हम पकड़ पाएंगे। तो हमें बहुत अच्छा लगा, जैसे ऑप्शन में भी कोई ऐसा ऑप्शन आ जाता है जिसके बारे में लोगों को नहीं पता होता है, अगर हम पढ़ा रहे हैं तो हम उसके बारे में थोड़ा सा बता देंगे तो हमें पढ़ने और समझने में ज़्यादा आसानी होगी और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जो लोग नए हैं जिनको नहीं पता है वो लोग भी अच्छे से समझ पाएंगे। तो बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने बताया, बहुत बहुत धन्यवाद मैं उनका करता हूँ। तो दोस्तों मैं इस वीडियो में पूरे अच्छे तरीके से आपको बताने वाला हूँ, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अगर कुछ परेशानी होती है तो आप मुझे बता सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं हिंदी के 30 प्रश्न जो हम सॉल्व करवाएंगे आप लोगों को। तो पहला प्रश्न यहाँ पे दिया है, पहला प्रश्न पढ़ने से पहले हम ऊपर पढ़ते हैं निर्देश में क्या दिया रखा है, मतलब 91 से 93 तक के प्रश्नों को हमें करना है। यहाँ पे निर्देश के अनुसार देखिए क्या दिया है, कुछ शब्द दिए गए हैं उनमें प्रयुक्त उपसर्ग को चुनकर लिखिए। मतलब यहाँ पे देखिए प्रश्न नंबर 1 जो दे रखा है उसमें दिया है, प्रश्न नंबर 91 जो दिया है पहला वाला उसमें अपमान दिया है, तो इसमें पूछा है कि आखिर अपमान में कौन सा उपसर्ग है। ठीक है, ये पूछा है अपमान में कौन सा उपसर्ग है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, बहुत लोगों को उपसर्ग नहीं पता होगा, तो मैं बता दे रहा हूं उपसर्ग होता क्या है, पहले यही बता दे रहा हूं, उसके बाद मैं इस क्वेश्चन को करवा रहा हूं। तो दोस्तों उपसर्ग जो होता है, उपसर्ग ऐसे शब्दांश को कहते हैं जो किसी शब्द के पूर्व जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है या उनमें कोई विशेषता उत्पन्न कर देता है, तो वह उपसर्ग कहलाता है। मतलब किसी शब्दांश या शब्दांश एक है जो किसी शब्द के पूर्व जुड़ता है, कहाँ जुड़ता है पूर्व, मतलब यहाँ पे अपमान है तो ये कहाँ जुड़ा होगा पूर्व में, तो यहाँ पे अप जुड़ा है, तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, डी वाला सही होगा। 91 का कौन सा सही हो जाएगा, डी वाला। तो यहाँ से हमें पता चल गया आखिर उपसर्ग कहाँ जुड़ता है शब्द के, मतलब पहले जुड़ता है, तो यहाँ पे अप हो जाएगा, तो डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इससे यह समझ में आता है कि हाँ उपसर्ग होता क्या है, तो आदमी जो नहीं जानता रहेगा वो तब भी समझ के सॉल्व कर लेगा। हम आपको बता दें कि हिंदी में जो उपसर्गों की संख्या है वो होती है 12, और बता दें संस्कृत में जो उपसर्गों की संख्या होती है वो होती है 22। ये भी इम्पॉर्टेंट प्रश्न कई बार पूछ लेता है एग्जाम में कि हिंदी में उपसर्गों की संख्या कितनी है और संस्कृत में उपसर्गों की संख्या कितनी है। तो हिंदी में 12 होते हैं और जो संस्कृत में होता है वो होता है 22। चलो अगला प्रश्न करते हैं। ऐसे ही 92 में पूछा है दुरावस्था में कौन सा उपसर्ग है, 92 का बताना है, तो आप फिर से ऐसे देख के बताएंगे, तो इसमें बी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, दुर, ठीक है, दुरावस्था में है। चलो आगे बात करें 93 की, तो इसमें पूछा है पराजय में कौन सा उपसर्ग है, तो 93 में कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी वाला, परा। ठीक है, चलो आगे बात करें 94 की, तो इसमें दिया है दिगु समास का उदाहरण है, दिगु समास का क्या उदाहरण है आपको ये बताना है, तो मैं बता दूं 94 में जो सही होने वाला ऑप्शन है वो है सी वाला ऑप्शन, नवग्रह। लेकिन बहुत लोगों को दोस्तों पता नहीं होगा कि दिगु समास क्या होता है, जो नए लोग हैं उनकी बात मैं कर रहा हूँ, क्योंकि ये आसान है दिगु समास, तो मैं बता देता हूँ दिगु समास होता क्या है। तो दोस्तों जिस समास का पहला पद संख्यात्मक हो और विग्रह करने पर समूह का बोध हो वह दिगु समास कहलाता है। मतलब पहला जो पद होता है वो संख्यात्मक, जैसे 9 है यहाँ पे कि यह संख्यात्मक है, संख्या को दर्शा रहा 9, नवग्रह। ठीक है, तो और आगे क्या है कि विग्रह करने पर समूह का बोध कहलाता है। अगर हम इसे अलग अलग करेंगे, नौ ग्रह मतलब क्या नजर आ रहा है, ग्रहों की संख्या कितनी है 9, तो एक समूह बन गया है ग्रहों का। ठीक है, नवग्रह, तो दिगु समास का उदाहरण यही है, दिगु का डेफिनेशन यही है कि जिस समास का पहला पद संख्यात्मक हो और विग्रह करने पर समूह का बोध होता हो वह दिगु समास कहलाता है। ठीक है, तो आप अगली बार अगर ऐसा आएगा दिगु समास में तो आप पकड़ लेना कि पहला पद संख्यात्मक होगा, तो इसमें सी वाला ऑप्शन सही होगा 94 में। चलो आगे बात करें 95 की,
तो हिंदी किस लिपि में लिखी गई है, हिंदी किस लिपि में लिखी गई। लिपि कई प्रकार के होते हैं दोस्तों, लेकिन मैं बता दूं हिंदी किस लिपि में लिखी गई है, हिंदी जो लिखी गई है वो देवनागरी लिपि में लिखी गई है, ठीक है। 95 में ऑप्शन नंबर बी सही है। चलो अगला प्रश्न देखते हैं 96 की, सर्वनाम के कितने भेद हैं, सर्वनाम के कितने भेद हैं, सर्वनाम के जो भेद हैं वो कितने हैं, 6, ऑप्शन नंबर ए सही है। मैं बता दूं सर्वनाम क्या होता है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। तो ये कौन कौन से 6 प्रकार के होते हैं ये भी आप सुन लीजिए। पहला होता है पुरुषवाचक, दूसरा होता है निजवाचक, तीसरा होता है निश्चयवाचक, चौथा जो होता है संबंधवाचक, पाँचवा होता है प्रश्नवाचक, और छठवा जो होता है अनिश्चयवाचक होता है। तो ये 6 प्रकार के सर्वनाम होते हैं, ठीक है, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, सर्वनाम। ये हमेशा याद रखने वाली बात है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, 97 की बात करें हम, तो 97 में क्या दे रखा है, प्रश्न को हम पढ़ते हैं, ठीक है। आकाश पाताल के बीच में लगने वाला ये जो चिन्ह है, ये है, ये इस चिन्ह का नाम क्या है आपको ये बताना है, ठीक है। 97 में आकाश और पाताल के बीच में जो ये चिन्ह लगा है, इस चिन्ह का नाम क्या है ये आपको बताना है। तो 97 में कौन सा सही होगा, तीसरा, योजक चिन्ह इसका नाम है। क्या नाम है, योजक चिन्ह। दोस्तों ये कैसे पता चला कि इसका नाम योजक चिन्ह है, इसे क्या कहते हैं, हम आपको बता दें कि ये विराम चिन्ह के अंतर्गत आता है, ये कई प्रकार के होते हैं। तो विराम चिन्ह होता क्या है मैं आपको बता देता हूँ, वाक्य को लिखते या बोलते समय बीच में कहीं थोड़ा बहुत रुकना पड़ता है, जिससे भाव स्पष्ट, अर्थवान एवं भावपूर्ण हो जाता है। तो लिखित भाषा में इस ठहराव को दिखाने के लिए हम जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उन्हें ही विराम कहते हैं। मतलब हम पढ़ते समय थोड़ा ठहराव लेते हैं, तो इसी ठहराव को हम लिखते समय जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उन्हें ही विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्ह दोस्तों कई प्रकार के होते हैं, उसमें प्रश्नवाचक चिन्ह भी आते हैं, योजक चिन्ह भी आते हैं, अल्पविराम भी आता है, पूर्ण विराम भी आता है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो इसमें जो ये पूछा है कि आकाश और पाताल के बीच में कौन सा चिन्ह है, इसका नाम है योजक चिन्ह, ठीक है, जो विराम चिन्ह के अंतर्गत आता है, आप लोग याद रखिएगा। चलो हम आगे बात करें 98 वाले प्रश्न की। 98 में दोस्तों लिखावट में थोड़ी गड़बड़ी है, फिर भी लेकिन मैं पढ़ के आपको बता दूंगा, प्रश्न लेकिन अच्छे हैं बहुत। 98 की बात करूं, यह नई साड़ी है, वाक्य में नई शब्द है, पूछा है यह नई साड़ी है, एक वाक्य है, इसमें नई शब्द क्या है ये आपको बताना है। नई शब्द क्या है दोस्तों, क्या है नई शब्द, 98 में डी वाला ऑप्शन सही होगा, विशेषण। विशेषण क्यों है, क्योंकि साड़ी की विशेषता बता रहा है कि साड़ी कैसी है, तो कैसी है साड़ी, नई। तो किसी चीज़ की अगर विशेषता बतलाई जा रही है तो वहाँ पे विशेषण होगा, तो यहाँ साड़ी की विशेषता बतलाई जा रही है, कैसी साड़ी, नई, तो यहाँ पे विशेषण होगा, ठीक है। आगे बात करें दोस्तों 99 वाले प्रश्न की बात करें, दिया है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम का मतलब होता है संस्कृत शब्द और तद्भव का मतलब हो जाएगा हिंदी शब्द। तो यहाँ पे क्या पूछा है, तत्सम शब्द, यानी कि ये चारों ऑप्शन है, जो पहला ऑप्शन आम्र, दूसरा दूध, तीसरा शहीद, चौथा खिचड़ी, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा संस्कृत में लिखा गया है ये आपको चयन करना है, मतलब वही, उसी को तत्सम शब्द कहते हैं। तो चलो 99 में कौन सा सही होने वाला है, पहला वाला ऑप्शन ए, आम्र। आम्र का मतलब हो जाएगा आम, ठीक है, तो ये है तत्सम शब्द। आगे बात करें 100 वाले प्रश्न की, तो दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन किया। तद्भव का मतलब मैंने बताया कि हिंदी शब्द का, तो इसमें हिंदी में जो लिखा गया है शुद्ध हिंदी जो होगी वही आपको बताना है। तो 100वें में कौन सा सही होने वाला है, डी वाला ऑप्शन। मुंह क्या है, वो है तद्भव शब्द, ठीक है, क्या है, तद्भव शब्द, हिंदी शब्द, ठीक है। जो बैंक है और अमीर है और अग्नि है, ये अलग अलग शब्द हैं सब। अग्नि का, अग्नि हो जाएगा आग से, मतलब ये संस्कृत हो जाएगा। बैंक और अमीर जो हैं ये और भी मतलब कई प्रकार के होते हैं शब्द, जैसे तद्भव, तत्सम, देशद, विजेशद और कई प्रकार के होते हैं, तो इनमें आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पे जो तद्भव शब्द है वो मुँह, ठीक है, मतलब हिंदी शब्द में जो आते हैं। आगे बात करें प्रश्न नंबर 101 की, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। सूर्य का पर्यायवाची क्या नहीं है बताइए, 101 में कौन सा सही होगा, डी वाला ऑप्शन। इसलिए सही होगा क्योंकि पहला वाला जो दिनकर है ये भी पर्यायवाची है, रवि भी पर्यायवाची है, अंशमाली भी पर्यायवाची है सूर्य का, और यामिनी जो है वो नहीं है पर्यायवाची, ठीक है। आगे बात करें प्रश्न नंबर 102 की,
पूछा है मनोरथ का संधि विच्छेद होगा, मनोरथ का संधि विच्छेद होगा, क्या होगा 102 वाले प्रश्न में, तो 102 वाले का होगा ए वाला ऑप्शन, मनह धन रथ। दोस्तों मनह धन रथ में कौन सा संधि है ये आप बताइए, विसर्ग संधि, इसमें कौन संधि है, विसर्ग संधि। तो दोस्तों जो विसर्ग संधि है उसको आप पूरी तरह से पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा मनोरथ का संधि विच्छेद कैसे होता है। तो यहाँ मनह धन रथ होगा, ठीक है, इसका संधि विच्छेद मनोरथ का, याद रखिएगा कई बार पूछा भी गया एग्जाम में मनोरथ का संधि विच्छेद, तो बहुत लोग गलत करते हैं, मनोधन रथ भी कर देते हैं लेकिन यहाँ गलत होगा, तो ए वाला ऑप्शन सही होगा मनह धन रथ, ठीक है, विसर्ग संधि इसमें होगा। ठीक है, आगे बात करें प्रश्न नंबर 103 की, इसमें क्या दिया है, विद्यार्थी उदाहरण है, विद्यार्थी उदाहरण है, किस संधि का उदाहरण है भाई ये बताना है, तो 103 वाले में तो विद्यार्थी जो उदाहरण किसका है, दीर्घ स्वर संधि का। क्यों दीर्घ स्वर संधि का है भाई, क्योंकि विद्या धन अर्थी होता है, मतलब स्वर के बाद यदि स्वर, मतलब वही स्वर, जैसे विद्या धन अर्थी मतलब अ के बाद अगर आ रहा है तो मतलब स्वर के बाद सेम वही स्वर आ रहा है, तो उसमें क्या होगा, दीर्घ स्वर संधि होगा। ठीक है, संधि को आप पूरी अच्छे तरीके से पढ़ेंगे तो ज़्यादा बढ़िया से पकड़ पाएंगे, संधि से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब एक दो क्वेश्चन इसमें से आते हैं, सारे टॉपिक से थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन करके 30 क्वेश्चन बना दिए जाते हैं। तो विद्यार्थी का उदाहरण जो है वो दीर्घ स्वर संधि का है। चलो आगे बात करें, आगे भी देखिए 104 वाला पूछा है, दिग्भ्रम का उदाहरण है, दिग्भ्रम का उदाहरण क्या होगा। दोस्तों दिग्भ्रम का उदाहरण क्या होता है, हम आपको पहले देखिए ऑप्शन दिया, विसर्ग संधि, दूसरा अयादि स्वर संधि, तीसरा व्यंजन और चौथा यण स्वर संधि। तो दिग्भ्रम में जो उदाहरण जिसका है वो है व्यंजन संधि का, क्योंकि इसका जो संधि विच्छेद होगा वो होगा दिक् धन भ्रम, क्या होगा, दिक् धन भ्रम। अब पूछेंगे आप दिक् धन भ्रम कैसे होगा, तो दोस्तों एक है, इसका नियम है, आप पढ़ेंगे जब व्यंजन संधि में जाके पहले ही स्टार्ट में नियम मिल जाएगा कि क च ट त प वर्ग के बाद यदि कोई स्वर या य र लावा इत्यादि या किसी वर्ण का तीसरा या चौथा वर्ण आता है तो वर्ग का वह तीसरा अक्षर बन जाता है, यहाँ पर दिक् धन भ्रम हो जाता। ऐसे आप मतलब एक बार जब आप पढ़े रहेंगे तो नियम को पकड़ पाएंगे ज़्यादा बढ़िया से, आप जाके पढ़ लीजिएगा, फिलहाल देख लीजिएगा दिग धन भ्रम का उदाहरण जो है व्यंजन संधि का है। ठीक है, आप मेहनत से पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा। आगे बात करें प्रश्न नंबर एक, चलो दोस्तों बात करते हैं प्रश्न नंबर 105 की, दिया है बिल्ली छत से कूद पड़ी, छत से कूद पड़ी, इसमें पूछा है कौन सा कारक है, अधिकरण कारक, कर्म कारक, संप्रदान कारक, आपादान कारक। ठीक है, तो बिल्ली छत से कूद पड़ी तो इसमें होगा अपादान कारक। क्यों भैया अपादान कारक होगा, क्योंकि इसमें अलगाव हो रहा है, बिल्ली कहाँ से कूद के अलग हो रही, छत से अलग हो जा रही, तो जहाँ अलगाव होगा वहाँ पे अपादान कारक होगा। ठीक है, और हम आपको बता दें अधिकरण कारक में जो आता है मे पे पर आता है, कर्म में को आता है, ठीक है, कर्म कारक में को आता है, संप्रदान कारक में जो होता है के लिए आता है, सेंटेंस में आपको वाक्य में के लिए मिलेगा, और अपादान कारक में से मिलता है, और से मिलेगा ऐसी जगह जहाँ पे अलगाव हो रहा होगा। ठीक है, तो इसमें डी वाला ऑप्शन सही है, इसमें अलगाव हो रहा है, 105 का डी। प्रश्न नंबर 106 वाले की बात करें, नीचे लिखे वाक्य के लिए एक शब्द बनाइए, नीचे लिखे वाक्य के लिए आपको एक शब्द बताना है, जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे क्या कहते हैं, जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे क्या कहते हैं, युधिष्ठिर, क्या कहते हैं, युधिष्ठिर। ठीक है, आगे बात करें 107 वाले की, पूछा है शैव कहते हैं, शैव कहते हैं किसे कहते हैं भैया, मतलब एक शब्द का आपको डिटेल में बताना है क्या कहते हैं। 107 वाले में जो सही होगा वो बी वाला ऑप्शन, जो शिव की उपासना करता है उसे क्या कहते हैं, शैव। चलो आगे बात करें प्रश्न नंबर 108 की, प्रश्न नंबर 108 में जो दिया है, पूछा वाचाल किसे कहते हैं, वाचाल, ठीक है, इसका आपको मतलब पूर्ण रूप में बताना है, डिटेल में बताना है कि वाचाल एक शब्द है, इसका पूर्ण रूप बताना है क्या होगा, तो 108 में जो सही होगा सी वाला, जो बहुत बोलता हो उसको क्या कहते हैं, वाचाल। ये भी पूछ सकता है एग्जाम में कि जो बहुत बोलता हो उसका एक वाक्य एक शब्द बताइए, तो वाचाल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर पूछा वाचाल किसे कहते हैं, तो आपका सी वाला ऑप्शन, जो बहुत बोलता है उसे वाचाल कहते हैं। चलो 109 वाले की बात करें, 109 में पूछा है श्याम धीरे धीरे चलता है, धीरे धीरे शब्द क्या है, धीरे धीरे शब्द क्या है, तो धीरे धीरे जो शब्द है वो है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण क्यों है भैया, क्योंकि ये क्रिया की विशेषता बता रहा है, जो क्रिया की विशेषता बताता है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं।
तो क्रिया की विशेषता क्या बता रहा है, यानी चलना, वह चल कैसे रहा है, तेज चल रहा है, धीमे चल रहा है, कैसे चल रहा है, वो उसकी विशेषता बतला रहा है, तो उसे हम क्रिया विशेषण कहेंगे। धीरे धीरे की जो विशेषता बतलाता है, मतलब यहाँ धीरे धीरे जो है वो चलने की विशेषता बता रहा है कैसा चल रहा है, तो यहाँ पे धीरे धीरे क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण। चलो आगे बात करें, यहाँ पे देखिए निर्देश दे रखा है, कुछ पूछा है, कहा है कि 110 से 112 निम्नलिखित शब्दों में वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। ठीक है, शुद्ध शब्द आपको बताना है। चलो देखते हैं प्रश्न नंबर 110 को। 110 में दोस्तों कौन सा सही होगा, चारों ऑप्शन आप पढ़िए, 110 में देखिए कौन सा सही होने वाला है। अनुसंगिक लिखा है पहले, फिर आनुसंगिक लिखा है, फिर अनुसंगिक लिखा है, फिर आनुसंगिक लिखा है। ठीक है, 110 में कौन सा सही होने वाला है, तो 110 में हम आपको बता दें कि बी वाला ऑप्शन सही होगा, आनुसंगिक। ठीक है, ये वाला सही है वर्तनी के हिसाब से। 111 वाले की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये आया है। ठीक है, अंताक्षरी बी वाला है, अंत्याक्षरी सी वाला है, अंत अक्षरी चौथा है, अंताक्षरी। तो 111 में कौन सा सही होने वाला है, तो 111 में जो सही है वो है बी वाला ऑप्शन, अंत्याक्षरी। ठीक है, अंत्याक्षरी ऐसे ही लिखा जाता है। चलो 112 वाले प्रश्न की बात करें, इसमें दिया है देखो सुषमा, ये भी सुषमा, सुषमा और फिर सुषमा, चारों ऑप्शन में यही लिखा है, तो आपको बताना है सुषमा लिखा कैसे जाता है शुद्ध रूप में, मतलब कैसे लिखा जाता है। तो 112 वाले में जो सही होगा पहला वाला ऑप्शन, जिनका नाम होगा सुषमा वो जान जाएंगे भैया ऐसे लिखा जाता है, ऑप्शन नंबर ए वाला सही है इसमें, सुषमा पहला वाला ऑप्शन सही, ए वाला। ठीक है, चलो हम आगे बात करें 113 से 115 की। निर्देश में दिया है 113 से 115 के बीच में क्या दिया है, नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, प्रत्येक शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय दिए गए विकल्पों से चुनिए। ठीक है, प्रत्यय बहुत अच्छी बात है, प्रत्यय का नाम आ गया, अभी उपसर्ग का नाम आया था पहले, अब यहाँ पे प्रत्यय का नाम आ गया। प्रत्यय क्या होते हैं दोस्तों, प्रत्यय वही होते हैं, प्रत्यय भी ऐसे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसका अर्थ परिवर्तन कर देते हैं या उनमें कोई विशेषता उत्पन्न कर देते हैं, तो उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, चलो तो प्रत्यय कहते हैं, आप तो आप जान ही गए, मतलब किसी शब्द के लास्ट में जुड़ता है उसे प्रत्यय कहते हैं। तो 113 वाला का बताइए कौन सा सही होगा, घुमक्कड़ है तो घुमक्कड़ में कौन सा प्रत्यय इसमें लगेगा। ठीक है, तो बी वाला ऑप्शन सही होगा, अक्कड़। ठीक है, आगे बात करें 114 वाले के, तो पूछा है डिबिया, डिबिया में कौन सा प्रत्यय भैया 114 वाले का, तो इसमें ईया है। ठीक है, ए वाला ऑप्शन सही होगा। प्रश्न नंबर 115 की बात करें, इसमें भी प्रत्यय बताना है, भिक्षुक, भिक्षुक में कौन सा प्रत्यय है 115 में, तो इसमें सी वाला ऑप्शन सही होगा, उक प्रत्यय है। ठीक है, भिक्षुक तो उक निकल रहा है तो प्रत्यय होगा उक। 116 वाले की बात करें, 116 वाले में क्या दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बादल का पर्यायवाची कौन सा शब्द है, पहला है नीरद, दूसरा है नीरज, तीसरा अंबुज, चौथा अंबु। तो बादल का जो पर्यायवाची इन चारों ऑप्शन में से सही होगा वो कौन सा होगा, नीरद। ठीक है, ए वाला ऑप्शन सही है। चलो आगे बात करें प्रश्न नंबर 117 की, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक शब्द 117 में, तो इंद्रियों को जो जीत लेता उसे हम क्या कहते हैं, जीतेंद्री, डी वाला ऑप्शन सही होगा। 118 वाले प्रश्न की बात करें, तो आहा आप आ गए वाक्य में आहा जो है वो शब्द है, आहा जो शब्द है ये क्या है ये बताना है आपको, तो 118 वाले में कौन सा सही होगा दोस्तों, सी वाला ऑप्शन, अव्यय। अच्छा अव्यय है तो अव्यय होता क्या है ये बता दो, अव्यय जो होता है दोस्तों हम बता दें, वह शब्द जिसके रूप में वचन लिंग आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता उसे हम क्या कहते हैं, अव्यय कहते हैं। ठीक है, मतलब किसी भी रूप में ये परिवर्तित नहीं होगा, आहा है तो आहा ही रहेगा हर जगह पे। ठीक है, तो इसे ही हम अव्यय कहते हैं। चलो आगे बात करें प्रश्न नंबर 119 की, तो इसमें दिया है निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द कौन सा है, पुल्लिंग शब्द दोस्तों, पुल्लिंग शब्द पूछा है कौन सा है, तो ऐसे बताने में आपको कठिनाई होगी पुल्लिंग शब्द कौन सा है, क्योंकि पुल्लिंग के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा अच्छे से, क्योंकि पुल्लिंग के बारे में मतलब काफ़ी लंबा है,
हर चीज़ कौन सी पुलिंग में आती है, कौन सी स्त्रीलिंग में आती है, इसको आपको बढ़िया से पढ़ना पड़ेगा। फिलहाल मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ 119 में कौन सा सही होगा, डी वाला ऑप्शन। अगर आप लोग चाहते हैं कि पुलिंग और स्त्रीलिंग पे मैं वीडियो बनाऊं कि कौन सी चीज़ पुलिंग में आती है, कौन सी स्त्रीलिंग में, तो आप कमेंट में लिखिएगा। अगर सबसे ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं तो मैं उस पर वीडियो भी बना दूंगा कि पुलिंग के अंतर्गत कौन सी चीज़ें आती हैं, स्त्रीलिंग के अंतर्गत कौन सी चीज़ें आती हैं। तो यहाँ पर जो पुलिंग के अंतर्गत आने वाला है वो है प्यास, तो 119 में डी वाला ऑप्शन सही होगा, इसको याद कर लीजिएगा। और आगे हम बात करें प्रश्न नंबर 120 की, तो पवन में पूछा है संधि विच्छेद होगा, पवन में संधि विच्छेद होगा, तो 120 वाले में कौन सा, पहले बता दें हम कौन सा सही होगा, डी वाला ऑप्शन पौधन अन, ठीक है, पौधन अन हो जाएगा, पवन, ठीक है। दोस्तों हम प्रश्न नंबर 120 की बात करें तो इसमें दिया है पवन का संधि विच्छेद है, पवन का संधि विच्छेद जो है वो है पौधन अन, सी वाला ऑप्शन सही होगा, पौधन अन। और इसमें कौन सा संधि है, तो इसमें आयादि संधि है, ठीक है, पवन में आयादि संधि है। अच्छा पौधन अन कैसे हो गया, आयादि संधि की हम बता दे रहे हैं, आयादि संधि में क्या नियम है पौधन अन बनने का, थोड़ा सा हम शॉर्ट में बता दे रहे हैं आपको, ए ऐ अथवा ओ औ के परे यदि कोई स्वर आता है तो एक जगह ऐ और ऐ की जगह आय, ओ की जगह औ और औ की जगह आव हो जाता है। तो यहाँ पे पवन अव आ रहा है, पवन अव आ रहा है बीच में ना, पवन, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा पो धन अन, ठीक है, इसमें आयादि संधि है। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए, हमने 30 क्वेश्चन दो थे वो बहुत ही बेहतरीन प्रश्न आपको करवा दिए। और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिएगा, और कमेंट में लिख के बताइए आप कैसी वीडियो चाहते हैं या वीडियो में क्या परेशानी आपको आई ये भी मुझे बताइए। चलिए दोस्तों अगली वीडियो हम जल्दी लाते हैं आप लोगों के सामने।